गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? हेलो, यस एवरीबडी, शुड वी स्टार्ट सर? आप लोग एक बार कमेंट करेंगे फिर वी विल स्टार्ट. Visible and audible both? Yes, very good. Visible बोले तो सर श्रव्य, श्रव्य ऐसे ही लिखते हैं ना, और दृश्य, ठीक है ना सर? बिल्कुल. आज हम वही पढ़ेंगे, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन. सिनेमा इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग आर देयर. कैसे? ऑडियो भी है, विजुअल भी है, डांस भी है, वॉइस भी है, एवरीथिंग सर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सिनेमा एक ऐसा महासागर है जिसमें लगभग सारी कलाएं, सारे आर्ट्स आके समाहित हो जाते हैं. तो क्या इस बेहतरीन मीडियम को पढ़ने के लिए हमें एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग चाहिए क्या, एक दृष्टि चाहिए क्या? बिल्कुल सर. उसको डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए बेहतरीन विजन भी चाहिए, दृष्टि भी चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच भी चाहिए. तो सर आज वही हम लोग करेंगे. बेसिकली इसी अप्रोच से आजकल क्वेश्चंस भी आते हैं. स्पेसिफिक होके हम नेट जारेफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे. मैं सत्येंद्र कुमार मांझी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन नेट जारेफ के लिए अनअकैडमी पे आप लोगों को फैसिलिटेट करता हूँ. अनअकैडमी पे आप फुल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें यूनिट 1 से लेकर 10 तक के सारे जितने भी कंसेप्ट हैं उसको हम लोग कवर करते हैं. यूनिट 1 to 10 आपको रिकॉर्डेड क्लासेस लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा, उसके अलावा पीडीएफ बिल्कुल अरेंज्ड वे में है ना, क्विजेस, पीवाईक्यू, एमसीक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो कि लेवल के होते हैं, खुद मैं प्रिपेयर करता हूँ. यू कैन अवेल दिज ऑल द facilities on an academy itself sir. You should apply SATYAMS Satyam S while taking subscription for minimum 10% discount. इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं अगर आपने free special classes देख के कुछ मिनट गेन किए हैं तो. अच्छा, इन सारे के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है फुल कोर्स का. कल से ही एक रिविजन कोर्स स्टार्ट हो रहा है अनअकेडमी पे, वो भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं. और इसके अलावा बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लासेस भी हैं ऑन 20th और इसके बाद भी, तो आप ज्वाइन करिए. एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे. आज की बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना सर? आज क्या है सर? तो सर आज ना मैं कहूँगा क्या, मेरे को ना एक गाना याद आ रहा है सर. कौन? आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो. हाँ जी सर, ऐसा बिल्कुल. आप पहलू में बैठ गए ना सर, मजा आएगा सर आपको, ऐसा जी. तो एक राइटिंग है सर, किनके? एक आर्टिकल लिखा था अलेक्जेंडर ऑस्ट्रक ने. कब? 1948 में पब्लिश हुआ था, द बर्थ ऑफ अ न्यू आवाग्रांड सिनेमा, द कैमरा स्टाइलो नाम से उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था ना सर, वो इतना फेमस हुआ. उन्होंने कहा क्या कि देखिए, फिल्म का जो कैमरा है ना, जस्ट लाइक पेन, है ना, कैसा है सर? कैमरा वर्क एज पेन, और कैमरा का जो फिल्म है मतलब क्या है सर, कैनवस है. फिल्म का जो कैनवस है जिस पे हम कैमरा के द्वारा लिखते हैं, दैट इज जस्ट लाइक बुक, है ना. तो एक आर्टिकल, एक ऑथर जिस तरीके से बुक लिखता है उसी तरीके से फिल्में बनाने में डायरेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए हर एक एस्पेक्ट पे, चाहे वो लाइटिंग एस्पेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्टिंग एस्पेक्ट हो, चाहे वो फिल्मांकन वाला माध्यम हो, चाहे जो भी हो. यस एवरीबॉडी, एवरी एस्पेक्ट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर. यही मेन क्रक्स है आज की जो थ्योरी है, और उस थ्योरी को हम पढ़ कहते हैं ऑटियोर थ्योरी.
क्या कहते हैं सर? ऑटियोर थियरी। यस एवरीबॉडी, ऑटियोर थियरी। लेकिन ऑटियोर थियरी का जन्म कहां से होता है? तो दादाजी इज कौन? ऑटियोर थियरी के दादाजी हम समझ सकते हैं अलेक्जेंडर ऑस्ट्रोफ के राइटिंग द बर्थ ऑफ न्यू अवांगार्ड। इसको अवांगार्ड भी कई लोग पढ़ते हैं, मैं भी अवांगार्ड पढ़ता हूं फॉर प्रोनाउंसिएशन पर्पज ओनली। तो ये उन्होंने लिखा फ्रेंच में। अब बढ़ते हैं आगे। 1951 में आंद्रे बेजीन, जो कि वन ऑफ द आइकॉनिक फिगर हैं सर फ्रेंच फिल्म में, उन्होंने एक कायरो डे सिनेमा नाम से एक फिल्म मैगजीन प्रोड्यूस की सर, स्टैब्लिश किया। कब सर? 1951 में। वो इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा दो लोग और भी थे, उन्हीं का नाम अभी फिलहाल आप लिखिए ऑटियोर थियरी के तौर पे। अच्छा, तो क्या उनको हम मतलब बहुत सारे, एक आंद्रे बेजीन, आंद्रे बेजीन जो मैगजीन जिन्होंने स्टैब्लिश किया था ना सर कायरो डे सिनेमा, उस मैगजीन में 1954 में फ्रांसुआ त्रुफों, मैं नाम एक बार फिर से प्रोनाउंसिएट करता हूं सर, क्या है नाम? फ्रांसुआ त्रुफो, मैं इस तरीके से लिखता हूं, फ्रांसुआ त्रुफो, है ना, त्रुफो। फ्रांसुआ त्रुफो ने 1954 में एक आर्टिकल लिखा, अ सर्टेन टेंडेंसी इन फ्रेंच सिनेमा। यस एवरीबॉडी, इस आर्टिकल के बाद उन्होंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि जो अल्फ्रेड हिचकॉक और भी जो मेन डायरेक्टर्स हैं, किस तरीके से उनका हॉलीवुड सिनेमा के ऊपर पूरा कंट्रोल है अपने फिल्म के ऊपर। तो अपने फिल्मों के ऊपर कंट्रोल जब होगा ना, यानी डायरेक्टर क्या कहना चाहता है वो प्रोड्यूसर के दबाव में नहीं आएगा, वो एक्टर के दबाव में नहीं आएगा, वो जो कहना कहता है वो करेगा फिल्म के शूटिंग के तौर पे, एडिटिंग के तौर पे, जहां पे भी मौका मिले। तो सर वो सर्टेन टेंडेंसी वो देखने को मिला उनको फ्रेंच सिनेमा में। और फिर उनके आर्टिकल के आधार पे 1962 में एंड्रयू साइरस एक और आर्टिकल लिखते हैं, द विलेज वॉइस। अब चारों लोगों का नाम फिर से सुनिए। पहला अलेक्जेंडर ऑस्ट्रॉक, अलेक्जेंडर ऑस्ट्रॉक, ठीक है ना। दूसरा सर आंद्रे बेजीन, तीसरा सर फ्रांसुआ त्रुफो, त्रुफो है ना। चौथा सर किनका नाम बताया मैंने? एंड्रयू साइरस। क्या बोला सर मैंने? एंड्रयू साइरस, एंड्रयू साइरस, ऐसा बिल्कुल। अब इन लोगों के क्रिटिकल अप्रेजल के आधार पे देखिए, फिल्में बनना पहले स्टार्ट हुई, थियरी बाद में आया, सुनिएगा ध्यान से। फिल्में बनना पहले स्टार्ट हो गई, थियरी बाद में आया, मतलब पहले कुछ कुछ फिनोमिना अकर हो रहे होते हैं, उसको हम थियराइज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लेटर थियराइजेशन। तो क्या कहा जा रहा है? डायरेक्टर की अपनी टेक्निकल स्किल, जिस तरीके से राइटर की कुछ अपनी इमेजिनेशन, अपनी पर्सनल राइटिंग, और कुछ इंटीरियर मीनिंग होता है किसी लेखनी में, किसी नोबेल में, किसी आर्टिकल में, किसी पोयम में, किसी कविताओं में, उसी तरीके से एक फिल्म में हर एक चीज जो होती है ना, इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑथर, ऑथर बोले तो एडिटर। यस एवरीबॉडी, ऑटियोर थियरी ऑफ फिल्म इसी को कहते हैं, और यही आज के हमारे क्लास का मेन थीम है सर। तो ऑटियोर फिल्म बनाना स्टार्ट किसने किया, तो कुछ नाम हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले ऑटियोर थियरी का एक क्रक्स ये है, क्या है सर क्रक्स? कि थियरी स्ट्रिक्टली ओवरस्टेट दैट गुड फिल्म्स आर मेड बाय गुड डायरेक्टर्स। मतलब अगर डायरेक्टर का कमांड इम्पॉर्टेंट हो, उसको आता है सब कुछ, तो उसके हाथ से सर फिल्में तो गुड बनेंगी ही बनेंगी। मतलब जैसे कि हमारे देश में महान फिल्म मेकर, आई विल से अगेन ग्रेट फिल्म मेकर सत्यजीत रे, है ना, और इसके जैसे और भी महान लोग वर्ल्ड में, जैसे कि अकीरा कुरोशोवा। क्या बोल रहा हूं सर मैं?
अकीरा कुरोशोवा फ्रॉम जापान, अल्फ्रेड हिचकॉक फ्रॉम हॉलीवुड, हॉवर्ड हॉक्स, जिन रेनियर, ये कुछ ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनको ऑटियोर फिल्म मेकर कहा जाता है। फिर से लिखेंगे क्या, ऑटियोर फिल्म मेकर के कुछ नाम लिखे, अकीरा कुरोसावा, सत्यजीत रे, अल्फ्रेड हिचकॉक, हॉवर्ड हॉक्स, जिन रेनियर। यह सही बड़ी एक बात जरूर ध्यान रखिएगा सर, ये जो है ना, ये जैसे कहते हैं हॉनी भी अलग अलग जगह से जो अमृत चुन चुन के लेके आती है ना, उसी तरीके से ये मटेरियल सर है आपके लिए, है ना। आप इसमें एक एक वर्ड्स को लिखिए और कंसेप्ट को जरूर पढ़िए, ठीक है। यस एवरीबॉडी, जी आगे सर, अकीरा कुरोसावा की कुछ इंपॉर्टेंट फिल्में सेवन समुराई, रेशोमोन, रैन, याजिम्बू, टू लीव, ड्रीम्स, ये आप लोग लिखेंगे। अच्छा तो सर अब बारी आती है ग्रेट फिल्म मेकर, जो कि हमारे भारतीयों को, हर एक भारतीयों को जो फिल्म लवर्स हैं उनको तो सर सल्यूट करना ही चाहिए इनको। यह सही बड़ी, सत्यजीत रे, पहली फिल्म पौथेर पंचाली, क्या नाम सर है इनका, पहली फिल्म का पौथेर पंचाली, दूसरा अपराजितो, तीसरा जलसा घर, चौथा अपूर संसार, पांचवा देवी, छठा तीन कन्या, सेवेंथ महानगर, चारुलता, नायक, सौदगति, और भी है सर ऐसा जी। तो कुछ ये फिल्में आप लोग लिखेंगे और आप अपनी जो ये है ना डायरी, इसको और इनरिच करेंगे यूनिट नंबर 9 के लिए, ठीक है ना सर। ये यूनिट नंबर 9 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल सर। तो 1955, अब ये क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सर आपने लिखा है, तो क्रोनोलॉजिकली हमें याद रखना चाहिए क्या, यस फिलहाल के लिए तो लिखिए ही लिखिए, समझ में आ रहा ना। अब अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये है इंपॉर्टेंट बात, तो आप ना लाइक तो सर कर ही डालो, या सही बड़ी जी, तो फिर शेयर भी कह रहे हो सर, वो आप तो करोगे ही करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। चले पौथेर पंचाली, अपराजितो, द वर्ल्ड ऑफ अपू मतलब अपूर संसार, चारुलता, नायक, ये कुछ फिल्में सर आप देखेंगे ना, इनकी फिल्मों के पोस्टर भी इतने स्ट्रांग होते थे ना, जिनके आधार पे आज भी रिसर्च किए जाते हैं सर, सिर्फ पोस्टर्स के ऊपर, बाकी उसमें कथानक जो भी हैं, जो भी उसमें स्टोरी है, जो भी क्रक्स है, जो भी फिल्म मेकिंग है, जो लाइटिंग है, जो सेट डिजाइनिंग है, एवरीथिंग इज अंडर द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च सर। यस एवरीवन, बिल्कुल। तो फिर अब कहा जा रहा है कि अलेक्जेंडर आस्ट्रॉक ने जो एक आर्टिकल लिखा था ना, उसकी परिणति हुई ऑटियोर थियरी में, और ये ऑटियोर थियरी का क्रक्स है कि एवरीथिंग इज कौन, एवरीथिंग शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑथर, बोले तो फिल्मों के मामले में डायरेक्टर। तो आज की कहानी हमारी यहीं तक, ये फिल्म थियरी बस यहीं तक सर, ठीक है ना। यस एवरीवन, जी सर। अपराजितो इज बीइंग रिजेक्टेड ऑन द सेइंग अप कांस, हाँ वो उन्होंने रिजेक्ट किया होगा, लेकिन जो है ये बाद में इन फिल्मों को इतना अप्रीजल मिला कि सर दुनिया दीवानी हो गई इनकी, है ना जी। सत्यजीत रे की और कोई कुछ पूछना है तो आप पूछिए। और हम लोगों ने ये जो कारवां स्टार्ट किया ना फिल्म थियरीज का, आने वाले समय में बहुत सारे मैं आप लोगों के लिए जो और भी कम्युनिकेशन थियरिस्ट हैं उनके लिए और भी सारे वीडियोज लेके आने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल आप लोग कमेंट कर रहे हैं करेंगे, और जिस तरीके से आप कमेंट करेंगे उसी तरीके से, उसी को प्रेफरेंस मान के मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आऊँगा। पढ़ते रहिए, आपका जो मतलब ये है ना ड्यूटी पढ़ना, और मैं उसमें ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक कैटलिस्टिक की भूमिका में हूँ। तो बस इतना ही है, इस बार कन्फर्म है क्वेश्चन इनका, हाँ एक बार तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी सत्यजीत रे की फिल्मों से क्वेश्चन आने ही आने हैं सर, ठीक है ना। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन।